रेशम सब नू मैं तेरा कल, कुंदन और मोती उसमें जड़ू। रेशम के पंख लगाकर फिर ऊंची उड़ान तुम भरा करो, तुम गुलाब हो इस उपवन का, महकाओ जीवन सब जग का। सूरज हो तुम इस जहान के, चमकाओ जीवन उज्जवल तुम। तुम प्रकाश हो, तुम बहार हो, फैलाओ जग में उल्लास तुम। प्यारे बच्चों, ये उद्गार है हम सभी शिक्षिकाओं के, आप सभी बच्चों के लिए। हमारा उद्देश्य है आपका सर्वांगीण विकास करना, आपकी पढ़ाई के साथ साथ आप में जीवन कौशल का भी विकास हो, यही हमारा प्रयास है। और इसी प्रयास में आपका यह कार्यक्रम फुलवारी बच्चों की को हमने विभिन्न प्रकार के रंगों से सजाया संवारा है। प्यारे बच्चों, आज के हमारे इस फुलवारी के सत्र में हमारे इस फुलवारी को अपने कौशल से महकाने आ रही हैं मिसेज अर्चना गुप्ता जी, जो मैपक्रम की डोरी से कीरिंग और कोस्टर्स बनाने सिखाएंगी। बच्चों, यदि आपके पास मैपक्रम की डोरी ना हो तो आप तनिक भी चिंता ना करें, आप अपने घर में उपलब्ध कोई भी सुतली डोरी या मोटी ऊन को भी लेकर इन चीजों को बना सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है ना बच्चों, बेकार कुछ नहीं जाएगा और साधन हमारा बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं अर्चना जी की कक्षा में और उनसे सीखते हैं मैपक्रम की डोरी से बनाने वाले ये कीरिंग और कोस्टर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? समर कैंप फुलवारी में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, आजकल आपका समर कैंप चल रहा है तो नई नई चीजें बनाना आप लोग सीख रहे होंगे। मैं अर्चना गुप्ता आज आपको एक कीचेन बनाना सिखाऊंगी, आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए बच्चों, आज एक हम मैक्रम कीचेन बनाना सीखते हैं। उसके लिए हमें मैक्रम चाहिए, एक बीड चाहिए, एक कीरिंग चाहिए और लाइटर चाहिए। ठीक है, ये वाली को हमने 10 इंच में कट किया हुआ है और हाफ फोल्ड करके यहाँ पे टक कर लिया है। ये हमारा 1 मीटर का है। अब हम इसको 1 मीटर वाली को भी हाफ में ये फोल्ड कर लेंगे और ये इसके नीचे से हम निकालेंगे। ठीक है, और ये राइट साइड से हम इसको ऐसे रखेंगे और ये जो देख रहे हैं ना, इसके नीचे से हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए हमारी नॉट लग गई है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करेंगे, थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। पहले हमने इधर से किया था, अब हम ये लेफ्ट से करेंगे। इसको ऐसे किया और फिर हम इसके नीचे से इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब फिर से ये राइट से रखेंगे और ये इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, ठीक है, इसको यहाँ से टाइट करेंगे और ये जो है ऊपर वाला, इसको हमें थोड़ा सा लूज ही रखना है, क्रिसमस ट्री है ना, तो उसकी बनानी है लिप्स, तो हमें थोड़ा सा और इस तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, फिर हम इसको लेफ्ट से लेंगे, फिर इस तरीके से करेंगे हम, ये देखिए। ठीक है, फिर राइट से लिया, और इस वाले जो ऊपर हमने बनाया था उससे भी हम इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। यहाँ से टाइट किया और ये ऊपर कर दिया। ठीक है, फिर से लेफ्ट से, फिर राइट, इसको हमें सेकंड वाले से थोड़ा सा बड़ा रखना है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, इसको ऊपर वाले हम देख के उसी हिसाब से एडजस्ट करते जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, फिर हमने लेफ्ट से लिया, फिर राइट, ये देखिए, इसको हम इससे भी थोड़ा सा
बड़ा रखेंगे। और ये अब हमारी ये 1, 2, 3 और 4 बन गए। ठीक है, अभी हमें एक नॉट और लगानी है। ये देखिए हमने इसको किया, फिर हमने राइट से लिया और ये थोड़ा सा हमने इससे बड़ा रखेंगे। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इसको हमने इससे थोड़ा सा बड़ा। अभी हमारे 1, 2, 3, 4 और 5 हो गए। अब हमें यहाँ पे एक बीड्स डालनी है। ये देखिए, अब एक्स्ट्रा कॉर्ड को हमें यहाँ से कट कर देना है। ये हो गया यहाँ से और ये यहाँ से। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको भी स्टिक कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब इसको निकाल के हम पिन से और इसमें जो है इस की चेन में हम डाल देंगे। ये देखिए, ऐसे नहीं डाले तो किसी चीज की हेल्प से भी हम डाल सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए हमारा कीचेन बनकर तैयार है। ये देखिए, ठीक है, इनको आप देख के थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, आज एक हम कोस्टर बना रहे हैं मैक्रम से। इसके लिए हमें मैक्रम चाहिए और उसको हमने 1 मीटर में कट किया हुआ है। ये 8 है यहाँ पे। इसको 1 मीटर में कट करने के बाद में हम एक स्केल में इसको लगा लेंगे। किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो हमने लगा लिया है उनको, इससे टाइम बनना ज़्यादा लगेगा, इसलिए अब ये इस तरीके से इसको हम लगाएंगे। ठीक है, इसको मैं इधर कर देती हूँ क्योंकि हमारी ये लग चुकी है फाइनली, हमें जितनी चाहिए। इसके बाद हम इसमें नॉट लगाएंगे। हमें जितनी ज़रूरत है हम बना चुका है, बस एक लाइन हमको और बनानी है। वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बनेगी। वो आप देखिए, हमने इसको यहाँ से ऐसे लिया, राइट वाली को हम इस वाली दोनों पर इस तरीके से करेंगे, लेफ्ट वाली को इसके नीचे से निकालेंगे। ठीक है, इसको हमने यहाँ से टाइट कर दिया। अब लेफ्ट वाली को यहाँ से लेके और हम इधर से निकालेंगे। ये नॉट लग गई। उसके बाद फिर से हम 4 कॉर्ड लेंगे, उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। बच्चों ये वही नॉट है जो उस दिन मैंने आपको की रिंग में जो हमने बनाया था उसमें जो आपको लगा के बताई थी, ये बिल्कुल उसी तरह से लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये लगाएंगे। अब ये लास्ट वाली भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गई। अब ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक 10 इंच की कॉर्ड लेंगे और देखिए हम दूसरी नॉट लगाते हैं। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम होगी तो सबसे अच्छा है हम थोड़ा इसको सेलो टेप से रोक देंगे, जिससे हमें करने में इजी रहेगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ से रोक दिया और हम इस तरीके से नॉट लगाएंगे। ये देखिए, जो यहाँ ये निकले हुए थे
एक डोरी से हम दो बार लगाएंगे। देखिए ये लिया, फिर हमने इसको ऐसे कर दिया, टाइट किया, फिर दोबारा लिया, ऐसे ही हम सभी को लगा लेंगे। ये देखिए, और इसी तरह से जो हमने ऊपर लगाया हुआ है स्केल में, जब हम इनको निकालेंगे हमें उधर भी ऐसे ही करना है, जिससे ये डोरियां खुलेंगी नहीं और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ये देखिए, और कुछ भी अगर थोड़ी सी छोटी या बड़ी हो जाती है तो हम उसको बाद में एक बार ठीक कर लेंगे। सभी को हम इस तरह से कर लेंगे। आप लोग बनाइएगा जरूर, बहुत अच्छा लगेगा ये बनके। इसको भी हम बाद में थोड़ा सा, ये हमारे कोस्टर से थोड़ा सा बड़ा जा रहा है ना, इसको हम टाइट कर देंगे, उसके बाद ये लेवल में आ जाएगा। अब बस ये लास्ट है, ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम यहां से थोड़ा सा टाइट कर देंगे इस तरीके से। देखिए देखिए, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे ये बनाई है ना, ऐसे ही हम इधर बना लेंगे, लेकिन मैं आपको ये कंप्लीट करके बता देती हूँ, एक दूसरी आपको समझ में आ जाएगी। अब ये इधर से हम इनको कट कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब इनको हमने कट कर दिया, और इसको भी हम यहां से कट करके यहां पे ये देखिए यहां पे हम नॉट लगा देंगे, ऐसे ही हम इधर भी लगा देंगे एक, और ये जो है इनको हम इस तरीके से खोल देंगे, ये इस तरीके। जब ये सारी खुल जाएंगी तो बहुत अच्छे लगेंगे, बल्कि एक कॉम्ब लेके वो चला देंगे आप तो सारे ही ये निकल जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरीके से इनको सभी को आप खोल देना, और ये खुलने के बाद बहुत ही अच्छे लगेंगे। इन पे सबसे अच्छा एक कॉम्ब चला देंगे आप तो बहुत अच्छे लगेंगे ये। मैं आपको करके बता रही हूँ, इधर से भी कर देती हूँ इस तरीके से। अब इनको भी आप यहाँ से निकाल के और ये जो है इसमें से आप, स्केल में से आप इनको निकाल देंगे इस तरह से, ठीक है। इसको खोल दीजिए, यहाँ से आपने कट किया,
सभी डोरियों को। ये देखिए, ठीक है, इन डोरियों को आपने कट किया और कट करने के बाद ये देखिए, जैसे ये बनाई थी इसी तरह से हम इधर का बनाएंगे। ये लेके एक सेलो टेप से हम इसको इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है, और फिर हम इसको इस तरीके से एक कॉर्ड से हमें दो बार लेना है, तभी वो पूरी नॉट आएगी। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए ना। ठीक है, तो पूरी लाइन हमको इसी तरीके से कंप्लीट करनी है और उसके बाद हमें जैसे ये निकाला है ऐसे ही हम ये एक्स्ट्रा कट करके इनको भी निकाल देंगे। ठीक है, कैसा लगा आप लोग बताइएगा।